अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। खैर खैरियत, बहुत ज़बरदस्त। पिछले सेशन में हमने लेसन था प्रोफेशन नर्सिंग एज नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग एक मुकद्दस, एक अच्छा पेशा, एक सुलझा हुआ अच्छा पेशा। तो उसको हमने वो सबक पढ़ा। उस सबक में हमने देखा कि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिस जो कि आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इस तरह कि इसमें बंदे को बहुत ज़्यादा इंसानियत की खिदमत करने का मौका मिलता है। मुश्किल थोड़ा सा इसलिए कि उसमें बहुत वक्त की पाबंदी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइसेस और मौसम की शिद्दत, जैसे कि गर्मियों में, सख्त गर्मियों में, सख्त सर्दियों में, पहाड़ों पे खुदा न खास्ता वार लगती है, जब जो जंग होती है तो भी उनके हालत बहुत ज़्यादा वो होती, मसरूफियत होती है। खुदा न खास्ता आफात आते हैं कुदरती, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक है, जलजला, फ्लड्स हैं, सैलाब, और इसके अलावा स्टॉर्म्स जो तूफ़ान वगैरह हैं, इनमें इनकी ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये प्रोफेशन हमने देखा कि इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको लेडी ऑफ विद द लैम्प कहते हैं, जिसको चिराग वाली खातून कहा जाता है, तो एक एक नाम है। मदर टेरेसा का नाम, जिनको नोबल इनाम मिला है बाकायदा इन खिदमात के बिना पर। और ये हमने देखा इस सबक में कि ये प्रोफेशन दरअसल ज़्यादा सूटेबल है फीमेल्स के लिए, ख्वातीन के लिए, वुमेन के लिए। क्यों? उसमें वो हसास होती हैं, दे आर सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू मैन। वो उनमें सेंस ऑफ वो जो सेक्रीफाइस है ह्यूमैनिटी के लिए, वो उसमें उनमें ज़्यादा होती है, पंक्चुअल होती हैं, इसलिए ये प्रोफेशन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। वरना मेल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी मेल नर्सिस भी हैं, दे ऑल्सो वर्क हार्ड वर्क, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो आज हम उनकी जो कम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, क्योंकि रीडिंग एंड थिंकिंग के लिए हमारा सफ़र नंबर 81 सफ़े पर के कम्प्रिहेंशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो नीचे दिए गए सवालात हैं इनके जवाबात। तो बच्चों, अगर हमने ये टेक्स्ट सही पढ़ा है, समझा है, तो फिर हमारे लिए इन सवालों के जवाबात लिखना, ढूंढना मुश्किल काम नहीं है। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल, Why is nursing a suitable profession for women? यही जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये profession, ये पेशा ख्वातीन के लिए क्यों suitable है, मौजू है बनिस्बत मेल के। Why is nursing a suitable profession for women? Question number one. Why is nursing a suitable profession? Suitable profession for women. बच्चों याद रहे, ये लफ्ज जब ये सिंगुलर हो, एक खातून हो, तो वमेन। जब ये प्लूरल हो जाए तो वेमेन। इसके प्रोनंसिएशन, अदायगी में फर्क आ जाता है। Why is nursing a suitable profession for women? ये जो नर्सिंग का प्रोफेशन है ख्वातीन के लिए क्यों मौजू है, सूटेबल है, तो ये हमारी बुक में बिल्कुल बाकायदा दिया हुआ है कि दिस प्रोफेशन इज़ मोर सूटेबल फॉर वेमेन बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव, केयरिंग एंड टॉलरेंट। उसका आंसर, दिस प्रोफेशन इज मोर सूटेबल For women, because they are more sensitive, वो ज़्यादा हसास होती हैं, कॉमा, caring, ख्याल रखने वाली होती हैं, एंड टॉलरेंट, और बर्दाश्त की कुव्वत उनमें ज़्यादा होती है। तो ये प्रोफेशन ख्वातीन के लिए इसलिए मौजू है, दिस प्रोफेशन इज़ मोर सूटेबल फॉर वेमेन। ये प्रोफेशन या ये पेशा ख्वातीन के लिए ज़्यादा मौजू हैं, बिकॉज
क्योंकि दे आर मोर सेंसिटिव, वो ज़्यादा हसास है, केयरिंग ख्याल रखने वाली हैं, एंड टॉलरेंट और बर्दाश्त रखने वाली हैं, यानी इनमें बर्दाश्त का की कुव्वत ज़्यादा होती है। ये हुआ हमारा पहला सवाल। दूसरा, व्हाट क्वालिटीज शुड अ नर्स पोजेस, कौन सी खूबियाँ नर्स में होनी चाहिए, व्हाट क्वालिटीज शुड अ नर्स पोजेस। नंबर टू, व्हाट क्वालिटीज शुड अ नर्स पोजेस, व्हाट क्वालिटीज शुड अ नर्स पोजेस, कौन सी खूबियां हैं जो एक नर्स में होनी चाहिए। तो हमें बताया गया था बुक में, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कहते हैं नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन विच रिक्वायर्स, जिसके लिए ज़रूरत है स्ट्रांग कमिटमेंट, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, स्ट्रांग बहुत ज़्यादा आज़म वादा होना चाहिए, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस कुर्बानी का मादा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, लव फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए मोहब्बत होनी चाहिए उनके दिल में, एंड अ ग्रेट डील ऑफ टॉलरेंस और बर्दाश्त की एक बहुत ज़्यादा मादा उनमें होना चाहिए। तो ये क्वालिटी है, कहते हैं कि आंसर इसका द क्वालिटीज अ नर्स शुड हैव आर क्या है, स्ट्रांग कमिटमेंट, स्ट्रांग कमिटमेंट होनी चाहिए, कॉमा सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस कुर्बानी का मादा, एहसास, लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टॉलरेंस, ये हुआ जवाब। क्या कहते हैं सवाल, व्हाट क्वालिटीज कौन सी खसूसियात शुड हैव होनी चाहिए, शुड अ नर्स पोजेस, नर्स में होनी चाहिए, वो कौन सी खसूसियात है जो एक नर्स में होनी चाहिए। तो उसका जवाब हुआ द क्वालिटीज अ नर्स शुड हैव आर वो खसूसियात, वो खूबियाँ जो एक नर्स में होनी चाहिए, वो स्ट्रांग कमिटमेंट, यानी मैंने बताया कि कमिटमेंट जो है, अज़्म जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, इरादा पुख्ता होना चाहिए, सेंस ऑफ सेक्रीफाइस कुर्बानी का मादा होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, लव फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए मोहब्बत होनी चाहिए उसके दिल में, एंड टॉलरेंस और बर्दाश्त होना चाहिए। ये वो क्वालिटियाँ हैं जो एक नर्स में होना ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, व्हाई इज़ प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर नर्सेज। थर्ड, व्हाई इज प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर नर्सेज। सवाल क्या कहता है, सवाल को समझना है हमने, व्हाई इज प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर नर्सेज, नर्सेज के लिए प्रॉपर सही तालीम और तरबियत की क्यों ज़रूरत है। एसेंशियल मैंने ज़रूरी होना, प्रॉपर एक सही तालीम और तरबियत ट्रेनिंग नर्स के लिए क्यों होना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो हमारे पास इसके जवाब है ना, यहाँ दिया हुआ है, अगर हम पीछे चले जाएं, टुडे अ नर्स गेट्स प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिफोर एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन, ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग शी इज़ टॉट
हाउ टू गिव मेडिसन एंड फूड टू पेशेंट एंड हाउ टू नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सर्व देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जवाब हम इसका थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं। आंसर इसका, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर नर्सेज बिकॉज क्योंकि सो दैट दे नो हाउ टू गिव मेडिसन। इसलिए जरूरी है, मैं तर्जुमा उसका बताऊंगा, हाउ टू गिव मेडिसन एंड फूड टू द पेशेंट्स एंड हाउ टू नो देयर प्रॉब्लम्स। सवाल क्या था, व्हाई इज प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर नर्सेज, नर्सों के लिए एक प्रॉपर एक सही तालीम और तरबियत की क्यों जरूरत पेश आती है। तो हमने जवाब में क्या लिखा, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एसेंशियल फॉर नर्सेज जरूरी है सो दैट ताकि दे नो हाउ टू गिव मेडिसिन एंड फूड टू पेशेंट्स, उनको समझ आए कि मरीज को दवाई कैसे देनी है और खुराक कैसे देनी है। एक एंड हाउ टू नो देयर प्रॉब्लम्स, उनका काम मरीजों के साथ होता है, तो अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो नहीं पता चल सकेगा कि किस टाइम कौन सी दवा देनी है। एक और दूसरी बात यह कि उनके मसाइल को, क्योंकि मरीज एक ऐसी जगह ऐसे हालत में होता है कि उसको अच्छी ट्रीटमेंट अच्छी बात भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है, यानी बहुत नरम लहजे से आपके साथ बात करो तो भी आधा उसका इलाज हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपने कैसे हाउ टू डील विद द पेशेंट, कि आपने मरीज के साथ कैसे पेश आना है, बहुत नरम लहजे से पेश आना है ताकि उसको वो जो बीमारी उसको लगी हुई है उसका ज़्यादा असर ना हो, कि उनके मसाइल का पता चल सके। अब मरीज़ का मसला क्या होता है, उसका मर्ज होता है, उसकी बीमारी होती है, तो ये मसाला उस वक्त पता चलता है जब आपने उसकी ट्रेनिंग की हो कि मरीज़ को कैसे डील करना है, मरीज़ के साथ कैसे पेश आना है। इसलिए उनकी प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग, तालीम और तरबियत की ज़रूरत है नर्सिस को। सवाल नंबर चार, क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डज अ नर्स प्रूव टू बी अ लिंक बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। फोर्थ, हाउ डज अ नर्स प्रूव to be a link between a patient and a doctor। कैसे नर्स जो है वो डॉक्टर और मरीज के दरमियान एक राबते की का किरदार अदा करती है। How does a nurse prove? वो कैसे साबित करती है, प्रूव करती है, साबित करती है, क्या साबित करना पड़ता है, अ लिंक, कि वो एक रابطہ है। किन के दरमियान रابطہ है, बिटवीन अ पेशेंट, एक मरीज, एंड अ डॉक्टर, और डॉक्टर के, यानी नर्स ने कैसे साबित करना होता है कि वो मरीज और डॉक्टर के दरमियान एक रابطہ है, रابطے की सूरत है। इसका जवाब लिखेंगे तो हमारे पास बाकायदा दिया हुआ है बुक में, मैंने कहा तमाम सवाल के जवाब बुक में होते हैं अगर हमने उसके टेक्स्ट को सही पढ़ा हो। अ नर्स इज अ लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, शी टेल्स द डॉक्टर अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड गेट्स एडवाइस ऑन मेडिसिन और डायरेक्शन फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट द फूड एंड द ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू द पेशेंट। सिंपल जवाब इसका, अ नर्स इज अ लिंक between a patient and a doctor, she tells the doctor about
द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड गेट्स एडवाइस ऑन मेडिसन और डायरेक्शन और डायरेक्शन फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट फूड एंड ट्रीटमेंट. फूड एंड ट्रीटमेंट के इलाज के लिए बस ऑफ द पेशेंट कर देते हैं. गुड. सवाल क्या था? सवाल है कि हाउ डज अ नर्स प्रूव टू बी अ लिंक बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर. के कैसे नर्स साबित करेगी कि वो मरीज और डॉक्टर के दरमियान एक राबता है? तो जवाब क्या लिखा? अ नर्स इज अ लिंक बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर. नर्स एक लिंक होती है, एक राबता होती है मरीज और डॉक्टर के दरमियान. शी टेल्स, वो बताती है द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बताती है अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वो मरीज के हालत के बारे में डॉक्टर, क्योंकि वो हर वक्त मरीज के पास मौजूद रहती है. डॉक्टर तो कभी राउंड पे आता है, नर्स जो है वो उसकी ड्यूटी वार्ड में होती है, वो हर वक्त मरीजों के पास मौजूद रहती है. तो वो मरीज की कंडीशन हालत के बारे में डॉक्टर को बताती है और फिर उनसे डॉक्टर से ये एडवाइस या मशवरा लेती है, ये हिदायत लेती हैं कि कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, दवाइयों के बारे में हिदायत लेती हैं और फिर डॉक्टर से ये डायरेक्शन लेती हैं, ये हिदायत लेती हैं कि उनकी खुराक और ट्रीटमेंट कैसे करनी है, यानी उनका इलाज मुआलजा और ख़ुराक का क्या ख्याल रखना है. एक पुल का किरदार अदा करती है. डॉक्टर हर वक्त मरीज के सामने मौजूद नहीं होता, नर्स हर वक्त मौजूद होती है. तो जब डॉक्टर आता है तो नर्स बताती है या बताता है, अगर वो मेल नर्स है, कि भाई मरीज़ की यह हालत है. एक और दूसरी बात है, डॉक्टर से ये हिदायत लेती हैं कि भाई फ़लाँ दवाई फ़लाँ टाइम देनी है, ये फ़लाँ फ़लाँ दवाइयाँ देनी है, दवाइयों के बारे में हिदायत लेती हैं. और तीसरी बात यह है कि डॉक्टर से हिदायत लेती हैं कि उस मरीज़ का खुराक और ट्रीटमेंट यानी उसका इलाज मुआलजे में के बारे में वो डॉक्टर से हिदायत लेती हैं. तो इस तरह वो जो है ना डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान एक लिंक, एक राबता बन जाती है. पांचवा सवाल, व्हाट इज़ द फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन इज हाईलाइट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स. हाईलाइट यानी बता दें, हाईलाइट करें, वाजे करें, रोशनी डालें उसके ऊपर, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स. फिफ्थ, हाईलाइट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक नर्स की बड़ी जिम्मेवारियां, मेजर बड़ी जिम्मेवारियों पर रोशनी डालें. एक नर्स की बड़ी जिम्मेवारियों पर रोशनी डालें, हाईलाइट करें, बता दें. गुड. अब हम देखेंगे, नर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द टाइम ऑफ वॉर. शी सर्व्स नॉट ओनली द वोंडेड सोल्जर्स बट ऑल्सो लुक आफ्टर द वोंडेड सिविलियंस ड्यूरिंग वॉर्स. दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट रोल इन द वेक ऑफ डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म. यानी उसकी जिम्मेवारियाँ क्या है, हम लिख लेते हैं. आंसर, द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स आर टू लुक आफ्टर से मुराद है देखभाल करना, टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स, टू ट्रीट देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे ड्यूरिंग वॉर्स और डिजास्टर्स. ऐसे ही करें ना? हाँ बिल्कुल, ड्यूरिंग वॉर्स एंड डिजास्टर्स. द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स आर टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स,
टू ट्रीट देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे ड्यूरिंग वॉर्स और डिजास्टर्स. वॉर्स हम इसको कॉमा कर देते हैं, डिजास्टर्स और पीस टाइम. सिर्फ जंग में नहीं ना, अमन के दिनों में, आम दिनों में भी उसकी जिम्मेवारी है कि वो मरीजों का ख्याल रखे, उनकी ट्रीटमेंट करे, उनका इलाज मुआवजा करे. तो यहाँ वॉर में खुदा ना खास्ता थोड़ी इजाफा हो जाती है उनकी जिम्मेवारियों में, या डिजास्टर में जो आफात आ जाते हैं, तो पीस टाइम में भी उनकी जिम्मेवारियाँ हैं. अब ठीक हो गया. द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स आर टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स, कि वो पेशेंट्स का, मरीजों का देखभाल, उनकी देखभाल करें. टू ट्रीट देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेहतरीन तरीके से उनका ट्रीटमेंट करें, इलाज करें. ड्यूरिंग वॉर्स जंगों में, डिजास्टर्स आफात में, और पीस टाइम या अमन के दिनों में. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नर्सेस. 6, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नर्सेस. क्या मसाइल हो सकते हैं नर्सों के? बहुत से मसले हो सकते हैं. अगर फीमेल्स हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी, उनकी जॉब थोड़ी मुश्किल है कि वो पहाड़ों पे गर्मियों में, सर्दियों में हर वक्त वो मरीजों के पास होती हैं, तो मसाइल हैं इनके. आंसर, नर्सेस हैव टू वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. दे मे फेस इनसिक्योर एंड दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स. During disasters. सवाल क्या है? What are the major problems faced by nurses? नर्सों को कौन से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है? तो nurses have to work, वो बेचारी काम करती हैं in extreme weather conditions. Extreme weather के शदीद मौसम, चाहे वो सर्द हो या गर्म हो. एक्सट्रीम से मुराद है गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद गर्म. ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है, ऐसे इलाके हमारे मुल्क में हैं जहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है. तो और अमूमन फ्लड्स जो हैं, ये जो सैलाब हैं, ये आते गर्मियों में जब बरसात ज़्यादा होती है. नर्सेज हैव टू वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी एक मसला ये कि उनको एक्सट्रीम शदीद मौसम में काम करना पड़ता है. दे मे फेस इनसिक्योर, उनको सिक्योरिटी का थोड़े से इशू होते हैं. एंड दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन फॉरेस्ट्स, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ड्यूरिंग डिजास्टर, के डिजास्टर के दौरान उनको पहाड़ों पर, जंगलात में, सहराओं में काम करना पड़ता है. गुड. आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू वी रिक्वायर नर्सेज इन अ लार्ज नंबर. 7th, why do we require nurses in a large number? हमें नर्सों की ज्यादा तादाद में क्यों जरूरत है? Why do we need large number of nurses? तो जवाब इसका क्या है? हमने देखा था कि भाई आबादी बढ़ रही है तेजी के साथ, तो उस आबादी को
कवर करने के लिए हमें ज़्यादा नर्सों की ज़रूरत है। लिखा है ना, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली सो वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर। जब आबादी बढ़ रही है तो डेफिनेटली मरीज भी ज़्यादा होंगे और हमें ज़्यादा नर्सों की ज़रूरत है। जवाब, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, तेजी के साथ, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर। जो ही अब जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है तो हमें नर्सों की ज़्यादा तादाद की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा तादाद में नर्सों की ज़रूरत है। क्यों? आबादी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये थे हमारे क्वेश्चंस, सवालात, जिनके हमने जवाबात ढूंढने की बुक ही में से कोशिश की और हमने सारे जवाबात ढूंढ लिए। अब हमारा दूसरा सेगमेंट है टू सफ़र नंबर 82 पे, री रीड द लेसन, लेसन को दोबारा पढ़िए एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है, यही फिर मल्टीपल चॉइस हैं, कसीरुल इंतखाब, कि हमारे पास 3-4 चॉइस होते हैं कि उसमें से जो सही होता है उसको हमने इंतखाब करना होता है। वो टेक्स्ट को जब हम समझेंगे तो हमारे लिए आसानी होती है। अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। क्या कहता है? पहला, अ नर्स इज अ डैश बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। बिल्कुल हमें बआसानी समझ आ जाता है। नंबर वन, अ नर्स इज अ डैश बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। तो चॉइस हमारे पास क्या है? ए, बॉन्ड, बी, हर्डल, सी, लिंक, और डी हमारे पास है प्रॉब्लम। सवाल क्या कहता है? कि नर्स जो है वो डैश है डॉक्टर और मरीज के दरमियान, बॉन्ड है बांधने वाला, हर्डल है मुश्किल है, ये रुकावट है मरीज और डॉक्टर के दरमियान, लिंक है राबता है मरीज और डॉक्टर के दरमियान, या प्रॉब्लम है मसला है मरीज और डॉक्टर के दरमियान नर्स। तो क्या है? बिल्कुल लिंक है। अ नर्स इज अ लिंक बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। नर्स मरीज और डॉक्टर के दरमियान एक राबता है। गुड। नंबर टू, एज द पॉपुलेशन, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जो जो आबादी बढ़ रही है, डैश वी नीड, वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर। ए, डेंजरसली, बी, ग्रेजुअली, सी, रैपिडली, डी, स्लोली। क्या कहते हैं? कि एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जो ही आबादी बढ़ रही है, डैश वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर, हमें नर्सों की ज्यादा तादाद में जरूरत है। तो ए कहते हैं डेंजरसली, खतरनाक हद तक बढ़ रही है। बी कहती है ग्रेजुअली, तदरीजन बढ़ रही है। सी, रैपिडली, तेजी के साथ जो आबादी बढ़ रही है। डी, स्लोली, आहिस्ता जो आबादी बढ़ रही है। तो क्या हमारे पास आया जवाब? कि एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली वी डू नीड नर्सेज इन लार्ज नंबर, रैपिडली सी। जब हम टेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जवाब बआसानी आ जाते हैं। नंबर थ्री, नर्सेज प्ले अ डैश रोल इन टाइम ऑफ वार। ए,
लिटल, बी माइनर, सी नेगेटिव और डी वाइटल। कहते हैं कि नर्स दौरान जंग किरदार अदा करती हैं। लिटल ए छोटा किरदार अदा करती हैं, बी माइनर मेदूद सा, सी मनफी किरदार अदा करती है नेगेटिव, डी वाइटल अहम रोल अदा करती है। तो जंग के दौरान नर्स बहुत अहम किरदार अदा करती है, वाइटल, वेरी नाइस। फोर्थ, चौथा, वी मस्ट डैश द हार्ड वर्क ऑफ नर्सिस। ए अप्रिशिएट, बी कंडेम, सी क्रिटिसाइज, डी स्टॉप। क्या है? वी मस्ट डैश द हार्ड वर्क ऑफ नर्सिस, हमें खाली जगह नर्सों के मेहनत का क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट, कदर करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। वी मस्ट अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ नर्सिस, हमें नर्सों की मेहनत की तारीफ करनी चाहिए, ये ठीक है, या कंडम करना चाहिए, मुजाहमत करनी चाहिए उनके किरदार का, मेहनत का। हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमें उस पर बोलना चाहिए, उसको बुरा भला कहना चाहिए उनके किरदार मेहनत को, या वी मस्ट स्टॉप, हमें रोक देना चाहिए उनके मेहनत को नर्सिस के। तो क्या हुआ? अप्रिशिएट कि हमें तारीफ करनी चाहिए उनकी मेहनत का, जो नर्सिस काम करती हैं, मेहनत करती हैं। अप्रिशिएट से मुराद तारीफ करना है। वेरी गुड, द लास्ट वन, नर्सिस लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड, लुक आफ्टर एंड प्रोवाइड, डैश एड टू द इंजर्ड। के नर्सिस लुक आफ्टर, नर्सिस देखभाल करती हैं, एंड प्रोवाइड और फराहम करती है, डैश एड टू द इंजर्ड, जख्मियों को। ए क्या? फर्स्ट एड, पहली तबई इमदाद, इब्तदाई तबई इमदाद, बी सेकेंड एड, सानवी तबई इमदाद, थर्ड, सी तीसरी तबई इमदाद, डी फोर्थ या चौथी तबई इमदाद। क्या है? फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तबई इमदाद क्या करती है नर्सें? लुक आफ्टर करती हैं, देखभाल करती हैं, और पहली तबई इमदाद, इब्तदाई तबई इमदाद देती हैं इंजर्ड को, जो जख्मी होते हैं, जो जंग वगैरह में या आफात में जख्मी हो जाते हैं, जिनके और भी इलाज की ज़रूरत होती है, जिनमें खुदा न खास्ता ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो जो तबई इमदाद है, पहली इब्तदाई पहली तबई इमदाद जो है ना, फर्स्ट एड, यानी मिसलन उसकी पट्टी बांध ली ताकि डॉक्टर के पहुंचने तक, या ऑपरेशन थिएटर तक जाने के लिए, या हस्पताल तक पहुंचाने के लिए, जो इब्तदाई तबई इमदाद है वो फराहम करती हैं नर्सें, और ख्याल रखती हैं, देखभाल करती हैं। ये थे हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस कसीरुल इंतखाब सवालात। उम्मीद है बच्चों आपको सवालात और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं या जो मल्टीपल चॉइस है इनकी समझ आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।